पांचवा गुण, पति की ससुराल वालों की अच्छे से सेवा करें। जिस कन्या में ये 6 के 6 गुण हो, वही एक अच्छी धर्मपत्नी, एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती। That's it for today. जय हो बाबूजी। बाबूजी एक सेकेंड, काउंटिंग में मिस्टेक हो गई। 5 ही काउंट किए, 6 होने चाहिए ना? एक गुण हमने जानबूझकर नहीं बताया। आप दोनों कन्याओं में से कोई हमें बता सकती है कि वो गुण कौन सा है? सोनू बेटा, बताओ। धैर्य। पत्नी में धरती जितना धैर्य होना चाहिए। धरती अच्छी बुरी हर बात चुपचाप बिना कुछ कहे बर्दाश्त कर लेती। औरत भी वैसा ही करती है। औरत तो ऐसी बातें भी बर्दाश्त कर लेती है जो टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। लड़की संस्कारों वाली। ये क्या टॉयलेट करने की बात कर रही थी? मैंने कुछ किया है क्या? मैं तो सोच रही थी ये संस्कारों वाली कन्या को हाउसवाइफ के हर गुण से प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये अपनी सगाई पे भी तो नौकरी की वजह से लेट आई थी ना। तो मैंने सोचा कि हाउसवाइफ की प्रॉब्लम्स को लेके तो ये कहीं नाराज ही ना हो जाए। नारी को घर की लक्ष्मी यूं ही नहीं कहा गया है। नारी ही एक परिवार को परिवार बनाती है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा। बाबा जी, इस धैर्य की कोई लिमिट है? मतलब हर चीज की लिमिट होती है तो इसकी भी होगी ना। क्यों, तुझे मौका चाहिए ये कहने का कि लिमिट पार हो गई? संभालो अपना घर, मैं तो चली अपने मायके। आजकल लड़कियों में सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, धैर्य। यूज एंड थ्रो का जनरेशन है जी, अच्छा ना लगे फेंक दिया। ऐसा नहीं है सरला जी, इश्की एक जेन्युइन सवाल पूछ रही है। मैंने कोई लिमिट क्रॉस कर दी है क्या? लिमिट है, हर चीज की लिमिट है, पर नारी को देवी इसीलिए कहा गया है कि जब उसका धैर्य अपनी सीमा, अपनी लिमिट पार करने लगता है तो वो उस सीमा रेखा को, बाउंड्री लाइन को और आगे बढ़ा देती है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। पुरुष लड़कर जीतता है, नारी सहकर जीतती है। नारी की जीत ही परिवार की जीत है। कंपल्सरी पेपर टाइप वाली फील आ रही है, करना ही करना है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। सोनू बेटा, फी टच करके आशीर्वाद ले लो। तुम्हें टाइम लगेगा बेटी, पर तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, सब सिखा देंगे। इस बेचारे की माँ नहीं है बाबा जी, जब ये मेरे घर आएगी ना तो पहली बार इसे माँ मिलेगी। सरला जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने सोनू की माँ के पूरे फर्ज निभाए हैं और इसने भी सारे गुण सीखे हैं। पता नहीं भूल गई शायद थोड़ा। हाँ जी, वो फाइनल ईयर के वाइवा में भी उसके साथ ऐसे ही हो गया। एक्चुअली हमारी सोनू नर्वस हो गई है, वरना हमारी सोनू को सब कुछ आता है। सुनो बेटा, तुम भी आशीर्वाद ले लो। तुम में धैर्य है बेटी। ले, जिसको फेल होना था वो टॉप कर गई और जिसे टॉप करना था वो फेल हो गई। मम्मी जी, अब इसे क्या पता कि वाइफ में कौन से 6 गुण होने चाहिए? इश्की को कैसे पता है?
जब इश्की को पता है तो इसे भी पता होना चाहिए। दादी प्लीज, मैं स्कूल में नहीं हूँ और ये कोई एग्जाम नहीं था, इसलिए प्लीज इसे एग्जाम की तरह ट्रीट मत कीजिए। बेटा था तो एग्जाम ही जिसमें तूने टॉप किया है। क्यों सरला जी? भाई मुंह जल गया। स्कूल खत्म हो जाते हैं पर लड़कियों के एग्जाम खत्म नहीं होते। क्यों दूं मैं एग्जाम? उन्होंने आकर कहा कि 6 गुण होते, कोई और आकर कहेगा कि 7 गुण होते, फिर कोई कहेगा कि 10 गुण होते। दादी एक लड़की कितनी भी पढ़ाई कर, ये सब उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस ही रहेगा। और मैं इन सब से रिलेट नहीं करती। आप मुझे हाउसवाइफ और किसी के घर की बहू बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और राज वहां अलग पेंट हाउस ढूंढ रहा है। अरे तेरी सास क्या कहेगी? तुझे घर तोड़ू कहेगी बेटा। आइडिया राज का था दादी, मैंने सिर्फ हाँ कहा है। और टेक्निकली अगर सरला आंटी को किसी को घर तोड़ू कहना है ना तो वो अपने बेटे को कहे। बट एक्चुअली नो, क्योंकि बेटे को तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। इश्की बेटा तुम लोगों को 1 घंटे में लंच पे जाना है। हाँ मम्मी जी, जब राज ही घर से अलग होना चाहता है तो अब इसमें सोनू की क्या गलती है? तुझे पता है ना पुत्र, अलग होने का फैसला किसी का भी हो लेकिन लोग तो यही कहेंगे कि जरूर लड़की ने कान भरे होंगे। वो लड़की तो मेरा फेस तक देखने को रेडी नहीं है, टोटल अवॉइड कर रही है। अब मैं उससे बात करूं तो कैसे करूं? भाई उस लड़की ने क्या कहा आपसे? उस लड़की ने मुझसे बात तक भी नहीं की। देख यार कार्तिक, अगर तुझे कुछ पता है तो प्लीज बता देना। मुझे कुछ नहीं पता भाई, उस लड़की ने कुछ नहीं बताया मुझे। कि क्या उस लड़की लगा रखा है तूने? उसका नाम है ना, तो लेते क्यों नहीं हो? लो ना। धैर्य, what the hell? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सारा धैर्य लड़कियों के एड्रेस पे क्यों कुरियर किया जाता है। एग्जैक्टली, और सिर्फ धैर्य ही नहीं, ब्लेम भी हमारी एड्रेस पे आता है। तुम्हें पता है राज अलग घर में रहना चाहता है और मैंने उसे 1000 बार समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी मॉम नहीं मानेगी। आइडिया उसका, मॉम उसकी, लेकिन जब ये बात सबके सामने आएगी ना तो ब्लेम होगा मुझ पे, गलती होगी मेरी। होम ब्रेकर का टैग ना एक लड़की को ही मिलता है, बिकॉज दिस इज गिवन। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा एक लड़की को ही मिलती है एंड शी हैज टू बेयर। पर लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना, अगर धैर्य की लिमिट पार होने लगे तो अपनी लिमिट बढ़ा दो। मतलब खुद जेब में रुमाल भी नहीं रखेंगे और लड़कियों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बाल्टी भर भर के पेशेंस रखे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी बड़ी बड़ी थ्योरियां पिलाकर ना लड़कियों को बचपन से चुप रहने के लिए तैयार किया जाता है। भाई परेशान करे तो तुम धैर्य की देवी हो, सहलो। पति कुछ कहे तो सहलो, सास कुछ कहे तो सहलो। अरे कब तक सहते रहेंगे? इतना तो धरती नहीं सहन करती है, धरती में भी अर्थक्वेक आ ही जाता है लेकिन लड़कियों को वो भी अलाउड नहीं है। टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, हीरोइनें एक जगह बैठ के चुपचाप सब कुछ सहन करके सिर्फ रोती रहती है। आजू बाजू वाली आंटियां क्या गुणगान करती है? हाय बेचारी कितनी महान है। अरे नहीं बनना महान, नहीं बनना हाय बेचारी, नहीं बढ़ानी लिमिट। धैर्य की लिमिट है कोई महंगाई नहीं जो जिंदगी भर बढ़ती रहेगी। कभी तो किसी औरत को कहना पड़ेगा कि बस हो गया। एक औरत को अपने बर्दाश्त की लिमिट पता होती है, फिर जब वो क्रॉस हो जाए ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना चाहिए। मेरी तुमसे और सारी लड़कियों से बस यही एडवाइस है कि व्हाट? तुम सोनू से क्या कह रही? कह नहीं रही है, भड़का रही है, घर तोड़ना सिखा रही है। बाबा जी के सामने तो बड़ा धैर्य पेशेंस सब याद आ रहा था, अब क्या हो गया? हाँ दिखा दिया ना असली फेस। नहीं आंटी जी, मैं कुछ और बात कर रही थी। अब कोई बात सुनी नहीं जाएगी हमसे, जितना कह दिया उतना बहुत है। आंटी इश्की कुछ एक्सप्लेन करना चाहती है, लेट्स लिसन ना। अब कुछ लिसन करने की जरूरत नहीं है, ये उसे भड़का रही थी, इसे सिखा रही थी कि ससुराल में कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो छोड़ छाड़ के सब चले जाना चाहिए। आंटी जी मैं दूसरी बात कर रही थी, अब मुझे बोलने तो दीजिए। क्या बोलने दूं? कि तू मेरी होने वाली बहू को भड़का रही है, प्रोवोक कर रही है। सुनो बताओ इन्हें मैं क्या कह। तुम बताओ बात क्या थी?
भाई इश्की और सुमन आंटी को बात करने देते हैं, आई मीन मदर इन लॉ। ऐसी लड़की की सास तो वही हो सकती है। आई एम सॉरी टू से सुमन जी, पर मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाती। आंटी जी उन्होंने क्या किया है? आप उनसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तू मुझसे बात मत कर, आई विल टॉक टू माई बहू। ओके सोनू, क्या बात कर रहे थे तुम लोग? बोलो। मैं चुप थी। बस आंटी जी अब और टॉलरेट नहीं होता। पहले सगाई वाले दिन जॉब पे जाना, आज मेरी बहू को घर छोड़ने के लिए भड़काना। मतलब ये लड़की तो मदर और सन को साथ में रहने ही नहीं देना चाहती, खुद भी ऐसी और दूसरों को भी अपने जैसा बना रही है। कल को अगर बहू की हाँ में हाँ ना मिलाई तो लो जी बहू विल लीव साथ में मेरे सन को भी लेकर। अरे सास बहू का रिलेशन तो ऐसा है कि दिन में 10 बार लड़ाई होती है। ये तो कभी भी कह देगी कि लिमिट क्रॉस हो गई, मैं जा रही हूँ और साथ में मेरा लड़का भी हाथ से चला जाएगा। सरला जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारी सोनू ऐसा नहीं करेगी। हमने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है। हमें नहीं पता इश्की ने ये सब बातें कहाँ से सीखी। बच्चे तो आंटी जी बड़ों के एग्जाम्पल से ही सीखते हैं। एग्जैक्टली और सोनू के सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल है उसकी मॉम का। आंटी जी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप, प्लीज। तुझे जो कुछ भी कहना है ना अपनी सास से कह, अपनी मौसी से कह, मुझसे तो तू बात ही मत कर। मुझे तो सिर्फ अपने सन और अपनी डॉटर इन लॉ की फिक्र है, समझी? आंटी ये डर तो पहले से ही था कि सोनू अपनी मॉम पे जाएगी, पर ऐसी लड़कियों की बातें सुनकर देर सवेर तो ये होना ही था कि अपनी मॉम जैसे ही कांड कर दे। मॉम प्लीज स्टॉप इट। राज डोंट। नहीं आन भैया, आज मॉम ने एक लाइन क्रॉस कर दी है। राज यू डोंट अंडरस्टैंड। आई डू मॉम। इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो गलती सोनू की मॉम ने की थी वो मेरी सोनू नहीं करेगी। अरे बच्चे बिल्कुल माँ जैसे होते हैं राज। मॉम अगर ऐसा होता तो मैं भी आपकी तरह पॉइंटलेसली सोनू पर बस इल्जाम लगाता रहता। आई एम सॉरी दादी। नहीं नहीं बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फाइन मैं पास्ट के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, पर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तुम्हें जरूर बोलूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहू इश्की के साथ उठे बैठे बात करे, इसलिए अब दोनों डोलियां एक साथ नहीं उठेंगी। आपको इश्की की शादी यहाँ से करना है तो करो, मेरे बेटे की शादी यहाँ से नहीं होगी और इस लड़की की शादी के साथ तो कभी नहीं होगी। मैं मॉम से बात करता हूँ। आन भैया डोंट वरी। मम्मी जी आप टेंशन ना लो, वैसे भी गलती तो हमारी थी ही नहीं ना, सारी की सारी प्रॉब्लम तो सरला जी और इश्की के बीच में हुई है, तो पर सोनू कहाँ से आ गई? गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तू घुन बन के उसके साथ क्यों चिपकी रहती है? तुझे कहा था ना कि उस लड़की के साथ रहेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। हो गई गड़बड़, पड़ गई कलेजे को ठंडक। दादी तू तो बोलना मत, चुप रह। ऐसे कौन से लड्डू बट रहे थे जो जाके उसके साथ खड़ी हो गई? भैया कुछ नहीं पता था कि सब हमारी बात सुन रहे हैं। तू ऐसी बात करी क्यों रही है? तुझसे कहा था ना कि उस लड़की से दूर रहे, लेकिन नहीं दादी की बात तो मान नहीं गई है। अरे बिजली की तार के पास खड़ी होगी तो करंट लगेगा ना, लगे करंट। अब नाचो सारे के सारे। दादी जी पूरी बात तो सुन लीजिए। सुन, तेरी आधी पूरी पौनी जितनी भी बात है ना उसे गठरी में बांध
और जाते समय जमुना में फेंक देना। तेरी बातों की यहाँ किसी को पड़ी नहीं है। ये लड़की जहाँ खड़ी हो ना, वहाँ खड़े रहना भी मुसीबत को घर बुलाना है। सोनू तो रो मत, हम जाके मम्मी जी को समझाते हैं। चुप चुप, कुछ नहीं हुआ। बैठ। मैं और सोनू जनरली बात कर रहे थे। एक्चुअली सोनू मेरे पास आई हो। सौ बात की एक बात है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन के परवरिश पर सवाल उठे हैं। चोट बहुत पुरानी थी लेकिन आज तुम्हारी वजह से ताजी हो गई। मेरी बहन तुम्हारे जैसी नहीं है। She is not a home breaker, okay? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी बहन से दूर रहो, समझ नहीं आता तुम्हें क्या जरूरत थी इसके साथ वो कॉन्वर्जेशन करने की। इस दुनिया में मैं बस एक चीज नहीं देख सकता हूँ, अपनी बहन को रोता हुआ सिर्फ एक चीज नहीं सुन सकता हूँ, अपनी माँ को लेके ताने। और आज तुम्हारी वजह से मैंने वो दोनों चीजें देख भी ली और सुन भी ली। इनकी माँ और परवरिश पर सवाल उठे तो ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, पर सोनू इनसे सर छुपा क्यों रही है? I'm sorry. पर सोनू का घर तो यही है, तो यही से डोली उठनी चाहिए ना। अगर सोनू की शादी कहीं और से हुई तो मैं शादी को रोकूंगा कैसे? हम सबको तो आज लंच के लिए बाहर जाना था। और सुमन जी, हमारी इश्की ऐसी नहीं है। ओ बहन जी, आपकी इश्की कैसी भी हो लेकिन आज उसकी वजह से हमारी सोनू तो फंस गई ना। ये रिश्ता कब से तय था लेकिन कभी सरला जी ने बाबा जी को बुलाने की बात नहीं कही, लेकिन इश्की को देखते ही उन्होंने बाबा जी को बुलाने की बात कही थी। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे लेकिन आज जो कुछ हुआ उसकी वजह इश्की है। कैसे बताऊं कि जो हुआ इश्की की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। वो अपने बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में बात कर रही थी। इश्की, प्रॉब्लम तो तुमने क्रिएट कर दी, अब फॉर गॉड सेक ये बताओ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मयंक, मैं और सोनू मुझे कोई एक्सक्यूज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना है। मयंक, मॉम प्लीज डोंट स्टॉप मी। पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए हम लोग इस घर से शादी कर रहे हैं। अहान ने, दादी ने हम लोगों पर कितना बड़ा फेवर किया है और उस फेवर के बदले में हमने क्या किया? आज तुम्हारी वजह से ना वी आर इन ए फिक्स। एक बार मेरी साइड तो सुन। तुम्हारी वजह से ना आज सोनू की इस घर में शादी नहीं हो रही है। तुम्हें अपनी साइड की पड़ी है, मुझे तुम्हारी साइड जानने में ना 0% इंटरेस्ट है, नन। बिना कहे मेरी बात समझना तो दूर, मयंक ने तो मेरी बात सुनी भी नहीं। इश्की, मुझे बस इतना जानना है कि तुमने ये सारी बातें सोनू को क्यों बोली? इश्की, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो बोलो। पूछ तो मैं भी सकती थी लेकिन जो लड़की अपनी होने वाली सास को जवाब नहीं दे रही वो मुझे क्या जवाब देती? मैं तो बाहर वाली हूं, बहू तो वो तुम्हारी बनने वाली है। इश्की, मैं तुम्हारी चुप्पी को क्या समझूं कि तुम गलत हो? अभी सिर्फ इतना कह सकती हूँ आंटी जी कि मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी मांग रही हूँ, लेकिन मैं घर तोड़ने वाली लड़की नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। Thank you.
सॉरी मांगने तो दूर, मुझसे बात तक करने नहीं आया। आज जो कुछ हुआ उसे अंडू करना पड़ेगा। अगर सोनू की शादी कहीं और से हुई तो मैं उसकी शादी नहीं तोड़ पाऊंगा। सोम करके ना सही, ऐसे ही सही, मेरी ओर देखो तो सही। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।